ऐसी कोई कोशिश जो है हमारे से वो नाकाम ही रहती है, क्योंकि हमें ऐसी जन्म का पता है, इससे पिछले जन्मों का तो हमें कुछ जान ही नहीं रहता और ना ही आगे वाले जन्मों का। पर गुरुजी जो हैं, जो स्वयं महाशिव हैं, उनको ही सबका ज्ञान है। जब उनके पास पहुंचते थे तो वो अपनी पूरी फाइल खोल देते थे, और हमें हमेशा हमारी गलतियों के बावजूद, चाहे हम कितने भी बुरे हों और जैसे भी हमारे कर्म हों, यदि गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया है तो ये हमारा सौभाग्य ही होता था कि महाशिव ने, इस प्रभु के रचयिता, इस सृष्टि के रचयिता ने, जिन्होंने इस सृष्टि को रचा है और जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, जिनके कारण ये सृष्टि चल रही है, वो हमें जो है अपनी शरण में उन्होंने बुलाया है, और उनके हम हमेशा ही कृतार्थ रहते हैं, कृतज्ञ रहते हैं, और उनका जितना भी धन्यवाद करें वो कम है, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। बिल्कुल कैसे एक्सप्रेस करें ये बहुत मुश्किल होता है। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि गुरुजी ने हमें एक गुरु परिवार दिया है, और गुरु परिवार का प्रत्येक सदस्य इतना प्रेमी है गुरुजी का, उसको पूरी आस्था है। मैं तो कहता हूं कि जो गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद उनसे जुड़े हैं, उन्होंने तो गुरुजी को भगवान मान लिया, और उनका गुरु परिवार के, उनका गुरु परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जो है प्रेम भाव बहुत ही अद्भुत है, और उसके लिए मैं उनका सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी इसी हफ्ते की बात है, या शायद हाँ इसी हफ्ते की बात है, कि मुझे जो है नाक में ब्लीडिंग शुरू हो गया था। सुबह उठा तो नाक में ब्लीडिंग हो रहा था, और उसको जो है नाक को, जैसे पिछली बार, ये 2 बार पहले भी हो चुका है मेरे साथ, कोई 9-10 साल पहले, और दोनों बार मुझे जो है अस्पताल जाकर वहां पे एडमिट मुझे होना पड़ा था, और उसके बाद जो है नाक में एक डंडी घुसा के उन्हें कुछ देर रखा मुझे ओवरनाइट, और उसके बाद जो है अगले दिन जो है एक ओटी प्रोसीजर किया, जैसे कॉटराइजेशन बोलते हैं, उसमें नाक में इलेक्ट्रोड ले जाके उनको जो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लीड करती हैं, उनको जो है सील कर देते हैं, उसे कॉटराइजेशन बोलते हैं। तो जब ये सुबह हुआ तो सुबह जो हमने कुछ दबा के नाक को, जब कंट्रोल हो गया, बंद हो गया, पर खाने के बाद 3 बजे करीब ये फिर शुरू हो गया। अब मुझे चिंता हुई, मैंने कहा भैया ये अगर चला तो इस वातावरण में, जब आजकल सब सब और जो कोविड का माहौल है, मैंने कहा मैं किसी अस्पताल में नहीं जाना चाहता, बिल्कुल इच्छा नहीं थी मेरी, और इससे मैं दूर ही रहना चाहता। अब क्योंकि मैं फौजी बैकग्राउंड से हूँ, तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो है कोई फैमिली डॉक्टर नहीं होता, हम सीधा डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, और जो भी ड्यूटी पर डॉक्टर होता है उससे वार्तालाप करके जो है उससे दवाई वगैरह लेके वापस आ जाते हैं, और यदि उसने किसी स्पेशलिस्ट को रेफर किया, स्पेशलिस्ट के पास हम सीधा जा नहीं सकते, जनरल डॉक्टर के पास जाके फिर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, और वहां पे भी जो भी स्पेशलिस्ट ड्यूटी पर हुआ उससे जो है दवाई वगैरह लेके वापस आए। और क्योंकि वो ड्यूटी पर होते हैं, हर बार जो जब पहुंचो तो एक नया डॉक्टर मिलता है, तो ऐसा कोई फैमिली डॉक्टर होता है। अब यहाँ पे जो है, क्योंकि ये मेरे साथ 9-10 साल पहले हुआ था, तो ENT स्पेशलिस्ट जो थे वो, मैंने कहा मुझे पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, और उनका पता नहीं भरोसा क्या है, कैसे करेंगे, तो मुझे पता नहीं था। तो गुरु परिवार की डॉक्टर जो ENT हैं और जो अभी भी इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, उनको मैंने रिंग करा, मैंने कहा उनको रिंग करता हूँ, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ अगर वो कुछ मुझे बता सकें इस समय, और श्योर इनफ उन्होंने मुझे इमिजिएटली कॉल बैक किया, मेरा पूरा वो हाल चाल पूछा, और बार बार मैंने जब बताया उनको तो उन्होंने इमिजिएटली जो है
जो दवाइयां मुझे लेनी चाहिए वो बताई और तरीका बताया कि किस तरह उसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं, मुझे मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनको थैंक करने, और वो भी ओवरसीज हैं, ये नहीं कि वो भारत में, भारत में तो मैं किसी को जानता ही नहीं था ये इनकी स्पेशलिस्ट, और वो भी ओवरसीज हैं और वहां से उन्होंने मेरी मदद करी, बहुत बहुत आभारी हूं मैं उनका। ये हमारा गुरु परिवार है, ये एक से एक बढ़कर यहाँ पर जो है सदस्य हैं और जो कि हमेशा मदद करने को सामने रहते हैं, और गुरु जी की मेहर है जो उन्होंने गाइडेंस दी, गुरु जी की मेहर, गुरु जी की कृपा रही। और उसके बाद जो है उस दिन तो मुझे जरूर फीलिंग होती रही कि ब्लीडिंग होने वाली है, पर सो के जब अगले दिन सुबह उठे तो सब कुछ ठीक ठाक था, नॉर्मल था। तो ये गुरु परिवार के पास जो है, जहां पे गुरु जी ने बोला था कि अपने रिश्ते नातेदार कोई कम नहीं आएगा और गुरु परिवार ही तुम्हारे हेल्प करेगा, तुम्हारी मदद करेगा। अब आज सुबह ही एक अंकल ने बताया कि उनकी वाइफ का मेलबर्न में ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई है। कहने 20 साल पहले हमें गुरु जी ने बता दिया, जब मेरी उनसे बात हुई हो रही थी तो उन्होंने कहा कि 20 साल पहले गुरु जी ने बताया था कि जब जरूरत होगी उस समय गुरु परिवार ही काम आएगा। तो वो जो है ऑस्ट्रेलिया में पिछले 1 साल से ऊपर हो गया उनको, और वो वहीं पर अटकी हुई है, वापस नहीं आ पा रही, और उनकी आज सुबह ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई है। उन्होंने भी यही बोला कि रिश्ते नातेदार तो सब यहीं पर भारत में बैठे हुए हैं और वहां पे गुरु परिवार ने जो हेल्प करी है उसके हम बहुत आभारी। तो गुरु परिवार को मैं नतमस्तक हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और गुरु जी का भी बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने ऐसा सुंदर, ऐसा सौहार्दपूर्ण परिवार जो है हमें दिया है और उसका हमें सदस्य बनाया है। गुरु जी के जो पहला इंट्रोडक्शन मुझको मिला था 1985 में कर्नल चैटर्जी से मिला था, ही इंट्रोड्यूस्ड अस गुरु जी। और उसके बाद जो है क्योंकि हम आर्मी में थे, हम जो है भारत भ्रमण करते रहे, कभी नागालैंड में, कभी कश्मीर में, कभी साउथ में, कभी कहीं, मतलब घूमते रहे। गुरु जी के पास जो है रहने का मौका जो है कम मिला, बहुत ही कम। पर एक सत्संग में जरूर उस समय का करना चाहूंगा, ये 80s की बात है कि ब्यास नदी के किनारे जो एक सत्संग हो रहा था, वहां पे जो है कई बहुत संगत आई हुई थी, और जब लंगर का टाइम हुआ तो गुरु जी ने पूछा कि अरे लंगर क्यों नहीं सर्व हो रहा है, तो गुरु जी को बताया गया कि गुरु जी वो आटे वाली गाड़ी जो अभी तक पहुंची नहीं है, उन दोनों मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे और ना कोई ऐसा और कम्युनिकेशन का साधन था जिससे संपर्क साधा जा सके उस गाड़ी का, कुछ पता आता पता नहीं। और गुरु जी तो जान ही सबको जानते हैं, उनको सब चीज का ज्ञान है। तो गुरु जी तुरंत उठे और वहां पे जहाँ लंगर बन रहा था वहां पे गए और अपने हाथों से जो फटाफट जो है इस तरह करके चपातियां निकाली, और संगत ने जो है वो गुरु जी के हाथ की बनी हुई चपातियां जो है लंगर के साथ छकी। तो जब लंगर खत्म हो गया, समय खत्म हो गया, कई काफी लोग जा भी चुके थे, तो उस समय वो गाड़ी जो है वहां पे पहुंची और पता लगा कि वो कहीं ट्रैफिक में फंस गई थी और कहीं पहुंच नहीं पाई थी टाइम से। तो गुरु जी को बताया, गुरु जी वो गाड़ी आ गई, गड्डी आ गई है आटे वाली, यानी पूरा आटा जो है ब्यास में डाल दो, मैंने ब्यास से जो उधार लिया। तो ये गुरु जी की महिमा है, और जैसे गुरु जी कहते थे कि अपनी जूतियां नाल अपना दिमाग भी बाहर छोड़ के आओ, ऐसे उसका कोई काम नहीं, और ना हम कभी एनालाइज करने की कोशिश करें
कि सिर्फ गुरु जी के शब्दों का आदर कर सकते हैं कि गुरु जी ने जो है कहा कि मैंने ब्यास से उधार दिया था, ब्यास में को वापस दे दो, तो पूरा पूरा आटा जो है जितना भी है ब्यास में डाल दिया था। और कर्नल चैटर्जी के बहुत आभारी हैं कि वो हमें गुरु जी के पास ले गए, और मैं तो ये कहूंगा कि वो तो सिर्फ माध्यम थे, गुरु जी ने स्वयं हमें अपने पास बुलाया जब जरूरत हुई, जैसा कि वो भक्तों को सबको बुलाते हैं अपने डिवोटीज को, जब बेशक वो शुरू में ना बुलाएं बाद में बुलाएं, पर उनकी कृपा जो है हमेशा जीवन पे बरसती रहती है उनको मिलने से पहले। और ये हमें उनकी उनका आशीर्वाद उनका कल्याण मिलता रहता है। और जब आप अपने जीवन पे जो गुजरा हुआ जीवन है उस पे जब आप नजर डालेंगे याद करेंगे तो याद कीजिए कितने ऐसे मोमेंट्स थे जब आप जो है ऐसे जगह पे फंस गए जहां से कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था, जैसे दीवार के कोने में पहुंच गए और चारों तरफ से जो आपके ऊपर धुआंधार मुक्का मारी हो। तो ऐसे मौकों पर गुरुजी आकर जो है अपने डिवोटीज को बचाते हैं, उनके पास हमेशा कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, कोई ना कोई रास्ता होता है। हम जो हैं जब गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी के दर्शन देने मिले हमें, और उस समय जो है जीवन में कोई ऐसी खास बात नहीं थी, कोई मुश्किल नहीं थी, आराम से जीवन चल रहा था। और एक्सेप्ट दिस कि मैं उन दिनों अनएम्प्लॉयड था, आर्मी छोड़ चुके थे, रिटायर हो चुके थे, जो जॉब थे वो भी हाथ से निकल चुके थे, जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज थी वो निकल चुकी थी, खाली बैठा हुआ था घर पे आराम कर रहा था, पर मतलब चिंता की कोई बात नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि जैसे कई लोग जब पहुंचे हैं गुरु जी के पास तो उनके हेल्थ के रीजन से या कोई और व्यापार की कोई दुविधा हो या परिवार में असामंजस्य हो या कुछ और हो रहा हो, अपना ऐसा कुछ नहीं था, हम जो है आराम से जिंदगी बीत रही थी। पर गुरुजी के पास पहुंचे और उसके बाद जो है उन दिनों गुरुजी जिस दिन भी बैठते थे हम उनके पास पहुंच जाए करते, पहला दर्शन जो उनका था वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अभी भी याद करते हैं तो मतलब अपने सौभाग्य को अपने भाग्य को धन्यवाद करते हुए थकते नहीं है कि गुरु ने किस प्रकार से बुलाया। और उसके दो दिन के बाद की बात है, मेरे पीठ में बहुत दर्द रहा करता था, बैक एक स्पाइन में, उसे कारण ये था कि फौज में एक आध जगह ऐसी जगह पोस्टिंग थी जहाँ पे कोई हेल्थ नहीं थी, तो वहाँ पे बड़े बड़े बक्से जो है छः फुट बाय तीन फुट बाय दो फुट के बक्से अकेले उठाने पड़ते, पैक करने पड़ते थे, पूरा काम अपने आप करना पड़ता था, तो एक दो बार ऐसा करना पड़ा तो फिर वो बैक एक उस समय हो गया। तो पर मतलब कोई बहुत सीरियस नहीं था, पर जिस समय गुरुजी पर पहुंचे तो उस समय बहुत हो रहा था, पर गुरुजी को बताया नहीं कुछ हमने, ना गुरुजी से कोई बातचीत वगैरह हुई ना कुछ। अगले दिन मैं लंगर कर रहा था बैठे हुए वहां पे, और गुरुजी की गद्दी के बिल्कुल राइट हैंड साइड पे शायद मैं फर्स्ट या सेकेंड पर्सन रहा होगा, तो और पेन इतना अधिक होता था कि जब बैठते थे तो फिर उठते हुए जो है आंखों से पानी निकलने लगता था, बिकॉज उठा नहीं जाता था, पोजीशन चेंज करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो उसी हालत में मैं लंगर खत्म करके जब दीवार का पीछे दीवार का सहारा लेते हुए उठ रहा था धीरे धीरे, तो मैंने देखा कि गुरुजी जो है मेरी ओर देख रहे। और उसके बाद जो है कोई गुरु ने कुछ नहीं बोला, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, पर बाद में मैंने रियलाइज किया कि वो पेन जो है बिल्कुल समाप्त हो गया है, उसके बाद उसका कहीं निशान नहीं रहा, और
कभी हुआ ही नहीं वो गेम कभी उसके बाद, जब तक मैंने फिर से कोई गलती ना करी और कोई बहुत हैवी वेट ना उठा लिया हो, तो उस समय होता था तो वो भी जल्दी ठीक हो जाता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। सॉरी। उसके बाद वहां पे जो है जिस दिन भी गुरुजी बैठते थे हम पहुंच जाते थे। दूसरी संगत को कई बार इंस्ट्रक्शन मिले कि 15 दिन में एक बार आना, या 20 दिन में एक बार आना, या महीने में एक बार आना, या हर फ्राइडे को आना, पर हमें जो है कभी ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं मिला। और ये बहुत ही अद्भुत बात है। और इसीलिए हम जो है रोज शाम का इंतजार करते हुए भाग कर जो है वहां पे गुरु जी के पास पहुंच जाते थे। और जिस तरह वो प्रवेश करते थे अपने कमरे से और बाहर जो आते थे, मतलब मैजेस्टिक, बिल्कुल जिसे बोलते हैं रोब, अपना रोब पहने हुए, वो चोला पहने हुए, जैसे कोई वास्तव में कोई ईश्वर चल रहा है। राजाओं के राजा तो वो है ही, महाराजाओं के महाराजा। और कभी दाएं उनकी नजर, कभी बाएं उनकी नजर, धीरे 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 उनके कदम चलते थे। और हम लोग जो है मतलब उनको जो है नतमस्तक हो जाते थे, नमस्कार करते थे, अपना अभिनंदन करते थे, और जाके जो वो अपनी गद्दी पे बैठ जाते थे। गद्दी के पास पहुंच के पहले मुड़ के पूरी संगत पे एक नजर डाली और उसके बाद जो वो बैठ जाते थे। तो और बैठते भी थे तो एक पैर जो है उनका दूसरे क्या कहते हैं घुटने पे रहता था, मतलब उठा हुआ। और जब उनसे आज्ञा लेते थे तो उसके बाद जो है कोशिश हमेशा रहती थी कि गुरुजी का स्किन छू सके एंड ऑल दीज थिंग्स, पर शायद बहुत ही कम मौके रहे होंगे जब उनको स्पर्श कर पाए। नहीं तो हमेशा जो उनकी जुराबों को स्पर्श हो पाता था, काली जुराबे वो पहने रहते थे और उसी को स्पर्श कर पाते थे। पर गुरुजी जो है और उनको देखते ही कभी उनसे आंखें जो हैं उनकी तरफ एक टक लगा के तो क्या एक 2-4 सेकंड भी उनकी तरफ नहीं देख पाते थे। उनकी जो आभा होती थी, उनके जो तेज होता था, ऐसा होता था और लगता था कि वो आपकी तरफ देख रहे हैं और बाकी की तरफ उनकी कोई नजर नहीं। इसलिए लगता था कि गुरुजी और हमारा जो है सीधा कनेक्शन है। और हाथ से वो कुछ ना कुछ हिलाते रहते थे, कोई मुद्राएं बनाते रहते थे, जैसे कि वो किसी ना किसी को ब्लेस कर रहे हैं। और बीच बीच में उनकी स्माइल निकलती थी। आई एम क्वाइट श्योर कि अगर किसी का उन्हें संकट दूर किया तो वो उनकी स्माइल होती थी कि देखो इसको मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया। फिर गुरुजी ने पूछा, पहले दिन मेरे से पूछा था या नेक्स्ट डे पूछा कि कीना है त्वाड़ा। मैंने बोला उनको तो केडी कोरदा है, तो मैंने कहा गुरुजी सिग्नल कोरदा, तो मेरे मुंह से निकल गया गुरुजी कम नहीं है। कहते सिग्नल वाले कभी खाली थोड़ी बैठते हैं, पंजाबी में बोला उन्होंने। तो इस तरह उनसे बातचीत हुई। और उसके बाद जो है कभी कभी जो है वो बातचीत करते थे, शायद ही हमसे, मेरे से कम बात हुई, आंटी से उनकी ज्यादा बातचीत हुई। आंटी को उन्होंने काफी बातचीत करी उनके साथ। गुरु जो कर्म पे बहुत विश्वास रखते थे, कर्म जो है उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। उनका अपनी संगत के लिए भी यही था कि अपने कर्म सुधारो और उसे अच्छा करो। और इसीलिए आज भी जो है, बिकॉज कर्म जो है वो अगर आदमी के ठीक हो गए, जब कर्म जो है बैलेंस जो है, जैसे बैंक बैलेंस होता है,
उसी तरह कर्मों का बैलेंस भी है आपका। संचित कर्म हो गए, आगामी कर्म हो गए जो आगे आएंगे, प्रारब्ध कर्म जो इस जीवन में आप लेकर आए अपने साथ कि इनको खत्म करना है, और क्रियामान कर्म जो आप काम करते हुए ऐड कर रहे हैं। तो जब ये कर्मों का बैलेंस जो है बिल्कुल जीरो हो जाता है, मतलब आपको किसी को कुछ देना नहीं है, तो उस समय जो है मतलब गुरुजी जो है अपना महाशिव हैं, वो अपना हाथ पकड़कर जब समय आता है तो अपना हाथ तो वैसे ही उन्होंने हमेशा से पकड़ा हुआ है, पर उस समय जो है अपना हाथ पकड़ के जो है वो अपने में मर्ज कराने के लिए हमें अपने साथ ही जाते हैं। इसी को शायद मोक्ष कहते हैं, वो उनके चरणों में जगह मिलती है, शिवलोक में स्थान मिलता है, सबसे ऊंचा है ये शिवलोक सतलोक, और वहां पे वो स्वयं अपने साथ ही जाते हैं। तो उसी को करने के लिए जो है गुरु ने हमेशा स्ट्रेस किया, और उन्होंने कितनी सिंपल बातें बोली उस रात को जब उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने कहा कि सब धर्म एक समान है, सब रिलीजन एक है, सबके ऊपर एक ही, कहने का मतलब यह कि सबके ऊपर एक ही है, चाहे आप उसे किसी नाम से बोलो, ईश्वर हो गया, परमेश्वर हो गया, ओंकार हो गया, ओम हो गया, विधाता हो गया, गॉड हो गया, अल्लाह हो गया, या जिस भी नाम से बोलिए आप, वो नाम से कोई मतलब नहीं है, पर वो सब धर्म एक समान, सबकी सहायता करो, अगर सहायता नहीं कर सकते तो किसी का नुकसान भी ना करो। तीसरी बात कि रोज प्रार्थना के लिए कम से कम 5-10 मिनट निकाल लो और प्रार्थना में बैठो। अब प्रार्थना और प्रार्थना से उठने से पहले जो है धरती को धन्यवाद जरूर कर दो, नहीं तो कल्याण अधूरा रह जाता है। और प्रार्थना क्या है, प्रार्थना में हम हैं कि हम जो हैं गुरुजी या प्रभु का जो है हम उनके तारीफ कर रहे हैं, श्लोक जो भी प्रेयर है वो हम मतलब वी आर टॉकिंग टू गॉड। पर इसके अलावा जो है एक और बहुत जरूरी बात है जो कि बहुत जरूरी करनी चाहिए, 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, व्हेन अपने माइंड को बिल्कुल ब्लैंक करके जब आप दुनियादारी की सब बातें भूल जाओ, मतलब माइंड में कोई थॉट नहीं रहनी चाहिए, कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारे माइंड में कोई थॉट ना रहे, कोई विचार ना रहे, दुनिया के दारी का कि जाके अभी खाना बनाना है या जाके जो मुझे कार साफ करनी है या वहां पे जाना है, वो सब बातें भूल कर उस ध्यान में बैठो, थोड़ी समाधि लगाने की कोशिश करो, तो उस समय जो है जो विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, और कोई कामना नहीं होनी चाहिए इस समय, तो इस निष्काम भाव में जो विचार उत्पन्न होते हैं उस समय प्रभु हमारे साथ बात कर रहे हैं, गुरुजी हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, और उससे जो है हमें सुनना चाहिए और उसके बाद जो है उसको फॉलो करना चाहिए। वो जिसे बोलते हैं अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा क्या है, अंतरात्मा तो गुरुजी स्वयं है, वो हरेक के अंदर है, और वो हरेक सृष्टि के हरेक वस्तु में समाये हुए हैं। ऐसी कोई चीज बता दो मुझे जहां पे वो नहीं है। कण कण में भगवान है, जैसे हम बोलते हैं, हमने दादा दादी से सुना है। तो इन कर्म पे आते हुए ही जो है, तो कहते हैं गुरुजी जो है 90% कर्म जो है अपने ऊपर लेते थे और बाकी कर्म जो है हमें भोगने पड़ते थे। मतलब जैसे बोलते हैं कि अगर बहुत भयंकर चोट लगने वाली है, बहुत भयंकर एक्सीडेंट होने वाला है, तो हो सकता है वो मामूली सी चोट से आपका जो है वो कर्म जो है नष्ट हो जाए और वो कर्म जो है समाप्त हो जाएगा। ऐसे गुरुजी करवा देते थे, कई बार उन्होंने कराया है। और जैसे मेरे केस में हुआ कि ऑफिस में बैठे हुए जो है मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग हुआ,
मैं जो हूँ ऑफिस में ये बोल के वापस आ गया, आई एम नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, तो मैं वापस जा रहा हूँ, कार ड्राइव करके मैं घर वापस आ गया। अगले दिन फिर ड्राइव करके मैं ऑफिस चला गया, वहां से फिर पूरा दिन ऑफिस अटेंड किया। थर्ड डे जो है किसी के साथ बैठे हुए थे हम रेस्टोरेंट में, तो उसने बोला अमिताभ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो अगले दिन, उसके अगले दिन मंडे था। अब इमेजिन करिए, दो दिन में हो आया, तीन दिन हो गए थे, उसके अगले दिन मंडे था। मैंने आंटी को बोला कि मैं अगर आज मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैं जाके डॉक्टर को दिखा देता हूँ, अभी भी थोड़ा कंफर्टेबल, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। तो वहां पे गए ईसीजी, उस उन दिनों गुड़गांव में एक ही हॉस्पिटल होता था, उमकल हॉस्पिटल, बहुत पहले की बात है। तो आजकल तो बहुत हॉस्पिटल हैं, भरे हुए हैं यहाँ पे। तो वहां पे गए तो ईसीजी हुआ, तो उसने कहा ईसीजी में चेंजेस हैं और मुझे फटाफट एडमिट कर लिया। और उसके बाद जो है, जैसे मैंने बताया इंदू को, अपनी वाइफ को बताया, तो उसके बाद मेरे दामाद और उनके बड़े भाई भागे हुए आए और फटाफट वहां से निकाल के जो मुझे एस्कॉर्ट्स में ले गए दिल्ली में। वहां पे जब एंजियोग्राफी हुआ मेरा, तो पता लगा कि उसमें जो है मेरी राइट कोरोनरी आर्टरी जो है 100% ब्लॉक थी, उसमें ब्लड ही फ्लो नहीं कर रहा था। उसके अलावा एक दो और आर्टरीज थी, एक बायपास हो चुका था अपने आप ही, नेचुरल बायपास गुरुजी ने किया होगा और क्या, नहीं तो वो जो ब्लॉक था वो 80-90% था, और एक दो और ब्लॉकेज थे 70-80%। वो जैसे बोलते हैं स्टब पे थे, स्टब बोलते हैं जहाँ पे खत्म हो जाता है ब्लड, वैसे जो है। तो उन्होंने कहा उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, पर सबसे चिंता की बात जो है 100% है जहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। और कहते हैं सरप्राइज है कि ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है, हार्ट फंक्शन कर रहा है। गुरु जी की मेहर बनी रही 3-4 दिन जब तक मैं डॉक्टर के पास नहीं पहुंचा, और उसके बाद भी, क्योंकि जब उसके बाद मेरा एंजियोप्लास्टी हुआ, गुरुजी की फोटोग्राफ स्वरूप जो है मेरे तकिए के नीचे थ्रू आउट रहा, और आईसीयू में भी एक ऐसा शायद हुआ जब मैं सिंक करने लगा और सब स्टाफ भागा हुआ आया और फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, या हो सकता है मैं सिंक कर गया हूं, तो मतलब बिल्कुल जो है। और जब मैं उठा तो उसके बाद जो जैसे होश आया तो आई वाज एब्सोल्युटली फ्रेश, मच बेटर देन बिफोर। गुरुजी ने संभाले रखा थ्रू आउट। जब वापस गुरुजी के पास पहुंचे उसके बाद, तो गुरुजी ने लोटा दिया, लोटा जाने को बोला और जाके बताया, लोटा जो है उन्होंने लाने को बोला, और उसके बाद लोटे को जो है उसमें से आधे लोटे का जल पीना था और आधे जल रोज रोज उसे राख से साफ करना था, डिटर्जेंट से नहीं, राख से या नींबू से, और उसके बाद जो आधे उसे भर कर गुरुजी के कहीं भी रख दो, तो घर पे तो हम तो गुरुजी के स्वरूप के सामने रखते थे, तो आधा लोटा सुबह उठ के पी लेता हूँ मैं, और बाकी जो आधा जो है नहाने की बाल्टी में मिला के उससे स्नान कर ले। तो ऐसे ये चल रहा है, अभी कार्यक्रम जो है अभी भी चल रहा है। तो उसके बाद जो है फिर और भी हुआ, एक दो केसेस और याद आ रहे हैं मुझे। एक और केस जो है अपने स्वास्थ्य का ही, बैक पेन जो है, नहीं सॉरी बैक पेन को बताइए, फॉल 2019 में, मुझे फरवरी 2019 में मैं बाथरूम में फॉल हो गया, गिर पड़ा मैं, तो छाती से जाके जो नहाने का जो होता है चपटा सा स्टूल जो है, या तो उस पर लगा या वहां पे बाथरूम में सीमेंट का पार्टीशन बना उस पर जाके छाती लगी, पता नहीं किस पे लगी। तो उसके बाद हम मंडे था बड़ा मंदिर चले गए, तो रास्ते में फिर मैंने आंटी को उनको बताया, शी वॉज ड्राइविंग, तो मैंने बोला कि मेरा सुबह बाथरूम में गिर पड़ गया, पहले पहले क्यों नहीं बताया, मैंने पहले पेन नहीं था, अभी पेन बढ़ रहा है मेरा। तो वहां पे मंदिर पहुंचे, तो मंदिर तक पहुंचते मेरी हालत जो है बहुत खराब, काफी बहुत पेन बढ़ गया था। तो उन्होंने कहा किसी डॉक्टर को अनाउंस करके बुलाते हैं, मैंने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं, बड़ा मंदिर आ गए यहाँ पे सब ठीक हो जाएगा। तो मेरा हाथ पकड़ के वो ले गई अंदर, और वहां पे जाके जो है वो मंदिर में जाके वो आशीर्वाद वगैरह लिया, और उसके बाद थोड़े अंदर हॉल में बैठ के
ब्रह्म प्रसाद ये के लिए चले गए और वहीं पर जो है प्रसाद मैंने खाया और उसके बाद जो है चाय प्रसाद भी लेकर आ गए। तो ड्राइव करते हुए मुश्किल से एक डेढ़ किलोमीटर आए होंगे, दैट आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर, मतलब पेन जो है कम होने लगा मुझे, मतलब काफी कम हो गया, खत्म तो नहीं हुआ पर काफी कम हो गया। तो वापस आके हॉस्पिटल में आए तो हॉस्पिटल जो एक्सरे वगैरह हुआ और दिखाया डॉक्टर को, तो उसने कहा रिप पर जो है हेयर लेंथ फ्रैक्चर है। तो 2-3 महीने में वो ठीक हो गया हेयर लेंथ फ्रैक्चर जो है अपने आप, हालांकि डॉक्टर ने बहुत लंबा टाइम बताया था, पर वो जो है मतलब बहुत ही जल्दी ठीक हो गया, अब मुझे याद नहीं है पर ठीक हो गया, पेन खत्म हो गया। अब जैसे वो पूरा नहीं था, कर्म मेरे बुरे बच्चे होंगे कि जून में मैं फिर से बाथरूम में गिर पड़ा। इस बार ये अपने बॉटम पे गिरा मैं, और मतलब चोट लगी, महसूस हुआ कि हाँ हुआ, और उसके बाद जो है कुछ खास नहीं हुआ, उसके बाद कोई इंजरी वगैरह कुछ नहीं थी। अगले दिन मुझे बाजार में काम था तो मैं बाजार चला गया और वहां पे जो है मुझे ब्लैकआउट हो गया। दुकानदार उठा के मुझे डॉक्टर के पास ले गए वहीं पर बाजार में ही, तो उसने कहा कि साहब आपका जो है ब्लड प्रेशर काफी लो है, अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है आपको, और उसी वजह से ब्लड प्रेशर जो गिर रहा है, आप फटाफट जो कार्डियोलॉजिस्ट को बताओ। घर आ उसके बाद मैं ड्राइव करके घर आ गया, और घर जब पहुंचे तो उसके बाद मैंने अपना ब्लड प्रेशर जब नापा तो 80/30 था मेरा ब्लड प्रेशर, जो कि नॉर्मली जो है 120/30/80 और 90 के बीच की रेंज में रहता है। मेरा जो है ऊपर का 80 था और नीचे का जो है 30 था। अगेन गुरुजी का शुक्राना ही करूँगा कि उन्होंने संभाले रखा। अंदर काफ़ी ब्लीडिंग हुई है उस समय और कुछ टाइम लग गया फिर से ठीक होने में, पर अगेन गुरुजी की मेहर है कि जिस समय आवश्यकता हुई वो तुरंत साथ में थे और कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ इसके अलावा। अब इसी को लोग जो हैं चमत्कार बोल देते हैं और गुरुजी को बोलते हैं मैं मिरेकल मैन। तो गुरुजी मिरेकल मैन नहीं है, मैं ये बार बार इंसिस्ट कर रहा था, गुरुजी को मतलब जिसे बोलते हैं कि मैजिशियन है या कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सनातन धर्म की 4 पिलर्स हैं, 4 स्तंभ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और गुरुजी के जो है जो करते थे वो, उनको देखिए तो इस समय जो है वो उसी से कुछ ना कुछ हम वो मिला सकते हैं, समानता उससे ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं उससे। मतलब अब गुरुजी ने बोला कि रब का रास्ता जो है बड़ा पथरीला है, आसान नहीं है रब का रास्ता, पर ये भी बोला था कि रब जो है कलयुग में आराम से मिल जाता है, उसे बहुत ढूंढना नहीं पड़ता, पुट्ठे पेड़ पे लटकना नहीं पड़ता। तो अब ये जो पथरीला रास्ता है रब तक पहुंचने का, और जो अंतिम मैंने बताया कि मोक्ष का जो रास्ता है, उसके लिए हमें जब तक गुरु ना हो साथ में तब तक हम उनके बगैर जो आगे बढ़ नहीं सकते। और उनका यही एम था कि जितने भी उनकी भक्त हैं उसको वो मोक्ष तक पहुंचाए। कर्म करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे 90% कर्म वो काट देंगे और मतलब थोड़े से कर्म जो है अपने काटने पड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं पुट्ठे कर्म नाल अगले जन्म विच किसी नू ना नहीं जाने दूंगा। अब पंजाबी में उन्होंने कहा, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट पंजाबी वर्ड्स क्या थे, वो जैसे हमेशा पंजाबी में बोला करते थे, अंग्रेजी हिंदी में तो शायद ही
बहुत ही कम बोला, सिर्फ जब वो गीता और कुरान और बाइबल कोट की थी उस साथ को जो मैंने बताया आपको इनसे, तो उस समय उन्होंने धारा प्रवाह उन्हीं लैंग्वेजेस में बोला था जिनमें बाइबल लिखी है, जिनमें संस्कृत में बोला और उसके बाद जो है गुरुमुखी में बोला और उन सब में बोला। तो ये जो पथरीला रास्ता है इसको सरल करने के लिए गुरुजी जो हैं आपको जो है सबसे पहले आपका हेल्थ ठीक करते, आपको अच्छा श्वास देते हैं, क्योंकि जब तक आप हेल्दी नहीं होंगे आप अपना मन नहीं बना सकेंगे, हमेशा इसी चिंता में लगे रहेंगे कि मेरी तो हेल्थ खराब है मैं आगे कैसे बढ़ूं। और जब हेल्थ ठीक होती हो जाती है तो उसके बाद हम जो है अपना चित्त जो है उसको सुदृढ़ बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और कर्म को समाप्त करने के लिए गुरुजी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे पर उनका तो ध्येय हमारी भलाई में है। अब एक दिन वहीं पे संगत में जो है चाय प्रसाद एक अंकल पहुंचे वहां पे, उन्होंने गुरुजी को चरण स्पर्श करके जैसे ही उठे होंगे और अपनी जगह बैठने लगे होंगे तो चाय प्रसाद जो अंकल बांट रहे थे वो ट्रे अचानक उनसे कुछ ऐसे लगी कि पूरी पूरी ट्रे जो है उल्टी होके उनके ऊपर चाय, गरम गरम चाय। अब वो अंकल कुछ बोले नहीं, जो अंकल चाय प्रसाद आई थिंक सिंगला अंकल वॉज डूइंग इट शायद, तो उन्होंने जो है सॉरी बोल के जो पूरे गिलास उठा के चले गए। अब सब संगत देख रही थी, ये जितने भी हम बैठे हुए थे उस समय, तो थोड़ी बात गुरुजी बोलते हैं कि तेरा जो है अगले 5 साल दे कर्म जो है कट गए हैं और अभी अभी बहुतों का आशीर्वाद मिला है, शनि भी आशीर्वाद देके गया है, क्योंकि उनके मन में कोई विचार नहीं उठा, कोई ऐसा रिएक्शन नहीं उठा कि इसने जो अंकल चाय के साथ बांटे वाले अंकल ये थे उन्होंने कितना केयरलेस कर दिया या कुछ ऐसे कर दिया, ध्यान भी नहीं रख सकते ऐसे कुछ, जैसे कि मन में नॉर्मली विचार उठते हैं पर उनके मन में कोई विचार नहीं उठा। और ये बात हुई थी जिसकी वजह से गुरुजी ने जो है ये बोला। तो हमें ये समझने वाली बात है कि चाहे कोई हमारे साथ भला करे तो हम उसके धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, बहुत थैंकफुल होना चाहिए उसको, और अगर कोई बुरा करे तो भी शुक्राना हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो आपके जो है कुछ बुरे कर्म जो है वो कट गए। और इसी वजह से गुरुजी जो हैं कई बार सुख के साथ साथ आपको दुख भी की भी अनुभूति होने देते हैं, क्योंकि जैसे बोला कि 10% कर्म तो आपको काटने हैं, अब वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं, चाहे आपको छोटी थोड़ी बहुत बीमारी हो जाए या आपका मेटीरियल लॉस हो जाए या कुछ और हो जाए, व्यापार में घाटा हो जाए। अब हमारे साथ ही हुआ था, हम यूरोप गए थे तो वहां पे जो है नाश्ता करते हुए सुबह का जो है आंटी का कोई पर्स उठा के ले गया, स्टॉकहोम की बात है, और उसके साथ जो है हमारे पासपोर्ट, उनका जितने भी पैसे थे, उनकी ज्वेलरी और पता नहीं क्या क्या सामान था उसमें, वो पूरा का पूरा चला गया। और कुल मिला के जब हिसाब लगाया तो कोई 3-3.5 लाख का सामान जो उसके पर्स में था और वो भी उठा के ले गया उस समय ब्रेकफास्ट टेबल से। तो
तो बुरा जरूर लगा उस समय, और बाद में जो है वी गॉट एक्सटम टू इट, हमने कहा ये जो है गुरुजी ने कुछ हमारे बुरे कर्म है जो काटे हैं, और किसी का देना होगा उसका दिलवा दिया गुरुजी ने, जिससे कि ये कर्म जो है उन्होंने काट दिया। तो मतलब जो है अगर कुछ भी होता है आपको बस ये है कि शुक्राना कर देना चाहिए गुरुजी का, अगर कोई निंदा भी करे आपकी तो उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, अगर आप उसको रिएक्ट नहीं करेंगे तो आपके जो है बुरे कर्म निकलेंगे, पर यदि आपने कर सुन लिया रिएक्ट कर दिया उसके ऊपर तो हो सकता है उसके बुरे कर्म जो है वो आपके ऊपर आ जाए। इट्स एक्सचेंज ऑफ जिसे बोलते हैं समथिंग विच डजेंट बिलोंग टू यू दैट कम्स ऑन टू यू, एंड आई मीन जैसे समझने की बात है ये बस थोड़ी सी। इसमें गुरु ने कभी कोई प्रवचन नहीं किया, जो भी है वो आराम से बोल देते थे, और अब जो कुछ चीजें जो व्यक्ति विशेष के लिए होती थी और कुछ जो है यूनिवर्सल एप्लीकेशन यानी सबके एप्लीकेशन के लिए होती थी, और उनकी सहायता जो है, और इसी आगामी कर्म का जो है मैं एक और चीज बोलूंगा कि कई बार उन्होंने लाइफ एक्सटेंशन दिया, हमें भी जिंदगी उन्होंने कई बार दी है, मतलब जैसे बोलते हैं कि मरते मरते बचे। अब गुरुजी क्यों करते थे, मेरे ख्याल से तो जो मुझे लगता है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसमें कि आगामी कर्म जो है उसे इसी जीवन में कटवाने के लिए वो लाइफ भी एक्सटेंड करते थे कि अगला जन्म क्या लेगा तुम्हारे जीवन जो है जन्म वगैरह कम कर देते हैं, तुम इसी जन्म में उन कर्मों को खत्म करो। अब जैसे हम एक बार उदयपुर से वापस आ रहे थे, मैं ड्राइव कर रहा था 125 किलोमीटर की स्पीड से, और वहां पे नेशनल हाईवे के बीच में जो है वो डिवाइडर नहीं बना हुआ, मतलब प्लेन रोड है बिल्कुल, कम से कम उस समय नहीं बना था, बात है बहुत पहले की बात है, कोई 12-15 साल हो गए। तो एक ट्रक मेरे आगे आगे जा रहा था, हमारे आगे इंदू साइड पे बैठी थी भाई जो आंटी और मैं ड्राइव कर रहा था, तो एक ट्रक आगे जा रहा था क्योंकि बहुत देर से पास नहीं दे रहा था, और अचानक उसने पास दिया तो मैंने जो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई ओवरटेक करने के लिए, और जैसे ही मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा के मैं उसके साइड पर आया तो अचानक देखा कि सामने वो चढ़ाई थी और वहां पे सामने जो है एक ऊपर चढ़ाई के ऊपर से एक ट्रक अपीयर हो गया, और रोड भी इतनी चौड़ी नहीं थी वहां पे, और हमारी स्पीड कोई 100 से ऊपर 100-125 किलोमीटर पर आर, और इतना टाइम नहीं था कि मतलब स्लो करके पीछे आ सकें, और जितनी भी स्पीड में एक्सीलेटर दूं तो इतना वो नहीं था क्योंकि स्लोप थी चढ़ाई थी तो गाड़ी आगे उसको ओवरटेक कर ले, और दाहिने हाथ बाएं हाथ पे में ट्रक है फिर मेरी गाड़ी, और दाहिने हाथ पे जो है कोई ऐसी जगह नहीं थी, गड्ढे ही गड्ढे थे रेगिस्तान के। तो और ट्रक से जो डिस्टेंस था मुश्किल से 200-300 मीटर था, अब इस स्पीड पे अगर आप देखें तो रिएक्शन टाइम कितना होता है, कुछ सेकंड का ही टाइम होता है, मतलब हमारे माइंड में पूरा कौंध गया कि वो जो है कैसे वो एक्सीडेंट होगा एंड ऑल दीज थिंग्स, मतलब वो जैसे होता है। और उसके बाद मैंने इन्होंने पूछा मेरे से क्या करो, मैंने गुरुजी को प्रे करो और क्या, गुरुजी को प्रे करा एंड आई प्रेड टू गुरुजी, मैंने गुरुजी आई डोंट वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिंदूज डेथ लाइक दिस। अब विश्वास करेंगे उसी समय वो ट्रक जो है बाई तरफ पता नहीं कहां से, उसके बाई तरफ पता नहीं कहां से एक फ्लैट ग्राउंड आ गया, और वो जब बाएं को टर्न करके जो है उस फ्लैट ग्राउंड पे चला गया,
और हम जो है उसी स्पीड से जो है ट्रक को जो है ओवरटेक करते हुए आगे निकल। गुरु जी की शुक्राना करते हैं गुरु जी का कि गुरु जी ने उस समय नया जीवन दिया, जीवन दान दिया है। इसी तरह एक बार और आंटी जो शी वॉज प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, तो सुबह सुबह जा रही थी जब स्कूल, तो मेन रोड से जैसे ही लेफ्ट टर्न किया तो वहां पे सर्विस रोड क्रॉस कर रही थी जो कि मेन रोड के साइड पे थी। तो सर्विस रोड पे जैसे ही पहुंची बाएं साइड से जो है एक एसयूवी टोयोटा आई 70-80 की स्पीड से और आके धाम से मारा उसने गाड़ी को। गाड़ी जो है पूरा घूम गई और घूम के जो है वो वॉकिंग पेडेस्ट्रियन जो वॉकिंग होता है वहां पे जाके जो टक्कर मार के घूम के खड़ी हो गई। पास ही में एक हॉस्पिटल था, आंटी को फटाफट हॉस्पिटल ले गए। तो वहां पे डॉक्टर्स ने जब उनका निरीक्षण वगैरह किया और चेकअप किया उनका, तो एक्सेप्ट फॉर चेस्ट पे एक ब्रूज था तो हल्का सा निशान लगा था और वो बिल्कुल सेफ थी। गाड़ी को तो जो नुकसान हुआ सो हुआ, पर अगेन वो जीवन दान गुरु जी ने दिया और वो सिर्फ स्टीयरिंग थोड़ा सा आके लगा था उस समय, तो उससे एक ब्रूज हुआ था और कोई चोट नहीं आई थी। तो इस तरह गुरु जी बार बार जीवन दान देते हैं, बार बार जो है बचाते हैं। उनकी फ्रेग्रेंस जिसके बारे में हम अक्सर सुना करते हैं, जब शुरू शुरू में जाना शुरू किया तो उस समय उनकी फ्रेग्रेंस जो हमेशा साथ रहती, घर आए तो सीढ़ियों पे चढ़ते हुए जो फ्रेग्रेंस उनकी मिल जाए, घर के अंदर मिल जाए, जैसे गुरुजी जो है हमें घर तक पहुंचाने आए, ऐसा लगता है उनकी जो फ्रेग्रेंस होती। और उसके बाद कभी कई बार कार में मिल गई, कई बार अनएक्सपेक्टेड जगहों पे मिल जाती फ्रेग्रेंस जो है। एक बार मेरी छोटी बेटी की शादी हो रही थी तो उसको मुझे हमें पता था कि उसको शादी के बाद जो है यूएस से जाना है क्योंकि सन इन लॉ जो है वहीं पे थे। तो मैं और बैंक में बैठ के जो है फॉर्म भर रहा था उनका यूएस एम्बेसी में पैसे जमा करने के लिए जो कि प्रोसीजर है, तो उसी समय गुरुजी की इतनी स्ट्रांग फ्रेग्रेंस आई जिसे और बहुत अच्छा लगा, गुरु जी को शुक्राना किया मैंने। और जिस दिन डेट थी अपने बिटिया को लेके मैं गया यूएस एम्बेसी और वहाँ पे कहीं पार्किंग की जगह नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है मैं DOC जाके बैठता हूँ, जब भी तुम्हारा ख़त्म हो जाए तुम बता देना मुझे, मुझे रिंग कर देना। तो जैसे ही मैं आधे के रास्ते पहुँचाऊंगा DSI से कि उसका फोन आ गया कि पापा खत्म हो गया, आई एम आउटसाइड आई एम वेटिंग फॉर। मैंने अरे इतनी जल्दी विथिन मतलब मुश्किल से कितना टाइम लगा होगा, वहां से DSI ही मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर है, मुश्किल से मैं 2-2.5 किलोमीटर जाऊंगा एंड शी वॉज आउट। तो कहती बस हो गया मेरा मतलब दे एग्रीड टू इट एंड दे गिव मी अ वीजा। तो हमने कहा ये तो बहुत अगेन गुरु जी की मेहर, वही जैसे गुरु जी ने उस समय जब फॉर्म भर रहे थे फ्रेग्रेंस उनकी आई थी और उनका आशीर्वाद मिल गया कि कल्याण कर देता। तो मतलब ये कि जब भी आपको लगे कि गुरु जी आपके पास नहीं है, गुरु जी जो है कहीं दूर नहीं गए हैं, वो आपको ही देख रहे हैं, वो आपके ही चाहे वो आपको सुख हो रहा हो, आप खुश फील कर रहे हैं या दुखी फील कर रहे हैं, वो गुरु जी का ही वो है, डिफरेंट एक्शन जो है उनके आपके लिए, यहाँ पे वो जो है आपको संभाले हुए हैं और जब भी जरूरत होगी वो आपका हाथ थाम के आपको उस दुविधा से दूर निकाल लेंगे, क्योंकि उनके पास हर एक मुसीबत का से निकालने का जो है साधन है, उनको पता है, उनके पास उपाय है उस सबका। एक बार आंटी जो है बहुत ही कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड थी, शी हैड जस्ट गॉट अ जॉब स्कूल में प्रिंसिपल का,
तो सुबह स्कूल जाते हुए उन्होंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी क्या मेरी सैलरी, आप क्या सोचते हैं, मेरी सैलरी जो मुझे मिल रही है, इज इट वर्थ अ प्रिंसिपल सैलरी, ये क्या प्रिंसिपल की को इतना ही सैलरी मिलना चाहिए मुझे प्रिंसिपल होते हुए? हाँ, एंड माई हार्ड वर्क एंड एफर्ट इज नॉट गोइंग टू बी पेड। तो जब वो स्कूल में पहुंची उस दिन, और उसके बाद गुरुजी को ये बोलकर जो है वो चली गई स्कूल, और जब स्कूल में पहुंची तो उसी दिन जो है उनका पैकेज जो है डबल कर दिया गया। और ये भी फिर से गुरुजी का चमत्कार कि रिस्पॉन्डेड टू दैट। और गुरुजी के सत्संग तो बहुत हैं, अनेकों सत्संग हैं, मतलब सीमा नहीं है उसके, बोलते जाएं तो बस चलता ही रहेगा। एक बार गाड़ी ब्रेकडाउन हुई बड़ा मंदिर जाते हुए, मई का महीना शायद 30 या 31 मई रहा होगा, गर्मी बहुत बेतहाशा, तो गुड़गांव से हम जा रहे थे, तो जहाँ पे ये फेज 5 और ये आगे जाके जो है उसके थ्रू होके जब निकलते हैं, तो वहां पे फरीदाबाद रोड जाके जो है जहाँ पे रोड मिलती है वहां पे टी जंक्शन है, तो वहां पे पहुंच के अपनी गाड़ी जो है रुक गई, और चाहे जितनी भी कोशिश कर लो वो स्टार्ट ना हो। और उसी समय जो है सामने फरीदाबाद रोड पे राइट हैंड साइड से कोई गाड़ी आई, क्रॉस किया उसने ये रोड पे और बाई तरफ जाके रुक गई। उसमें से 2-3 जो है यंग पीपल गॉट डाउन, मुश्किल से दो दो थे शायद, और उनकी एज जो है कोई 25-30 के करीब रही होगी, और उतरते ही उन्होंने कहा हमारी गाड़ी की तरफ पॉइंट, उस समय काफी गाड़ियां खड़ी थी, और हमारी गाड़ी की तरफ आए वो, और उनका ओ खड़ी है गाड़ी, और सीधा हमारी गाड़ी के पास आए, और उन्होंने भी स्टार्ट करने की कोशिश करी, और उसके बाद बोला कि अंकल आप बैठो हम धक्का लगाते हैं, और धक्का लगा के उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी, और उसके बाद जो है हमने उन्हें थैंक यू वगैरह किया, और उस समय तो रियलाइज नहीं किया पर एकदम बाद में रियलाइजेशन हुआ, मैंने कहा अरे बाबा ये गुरुजी की मेहर है। अब बड़े शहर में आप देखिए कि कहाँ से कौन आएगा अचानक, और उसने गाड़ी रोकी और सीधा हमारी तरफ आते बोले ओ खड़ी है गड्डी, सीधा हमारी गाड़ी के पास आए, किसी और गाड़ी के पास पहुंचे भी नहीं, ना किसी और गाड़ी की तरफ देखा। तो गुरुजी जो कई बार ऐसा भी लगता है जैसे वेश बदल के वो आ गए, और या तो उन्होंने भेजा या स्वयं आए, मैं कुछ नहीं कह सकता, बस ये शुक्राना ही कर सकते हैं उनका, गुरुजी का और कुछ। और गुरुजी जीवन के, जैसा मैं बता रहा हूं आपको, जीवन के हर क्षेत्र पे उनकी जो है, जीवन के हर स्फीयर पे उनकी कृपा जो है, उनका कल्याण जो है आप मिलता रहता है, और ज्यादातर कल्याण तो उनके पता ही नहीं लगते बिल्कुल, पर वो करते रहते हैं, आपको सिर्फ रियलाइजेशन करने की जरूरत है। इसलिए कहते हैं कि गुरु जी का शुक्राना ही करते जाइए, चाहे आपको महसूस हो ना हो, और उसी तरह अपने कर्मों की भी गुरु जी से माफी मांगते रहिए हमेशा, क्योंकि कई कर्म जो है हम ऐसे कर बैठते हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि हम बुरे कर्म कर बैठे, शायद हमने किसी का दिल दुखा दिया हो या किसी को रूढ़ी जवाब दे दिया हो अनजाने में। तो गुरु जी कहते थे कि कर्मों की माफी मांग लो, उन कर्मों की भी जिनका आपको पता नहीं है कि आपने बुरे कर्म किया, और वो सब कर्म माफ कर देते हैं। गुप्त दान गुप्त पाठ करना चाहिए, और मतलब जैसे दाहिने हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि बाएं हाथ ने क्या दान कर दिया, ये भी मैंने सुना कि गुरु जी कहते थे कि बाएं हाथ से दान जो है बाएं हाथ से करना चाहिए, क्योंकि दाएं हाथ से दान करने से ईगो आती है, तो बाएं हाथ से आप दान करिए, और मतलब नेकी कर कुएं में डाल,
वो कहावत जो है पूरी गुरुजी एडवोकेट करते थे। शिव पुराण कर पढ़ने को बोला, ऑटोबायोग्राफी पढ़ने को बोला, एक दो संगत को मना भी किया कि छोड़ ऑटोबायोग्राफी नहीं पढ़, पर वो इंडिविजुअल केसेस थे, बाय एंड लार्ज सबके लिए नहीं थे। अब घर के बारे में बहुत कथन है गुरुजी के, जो मैं थोड़े थोड़े बताते रहूंगा, कि जैसे कि गणेश की मूर्ति जो है उसका जगह जो है पेपर वेट नहीं है, वो मंदिर में होनी चाहिए, घर वहां पे उसकी सही जगह है। सी शेल्स जो हैं, जो सीपियां वगैरह हम कई बार इकट्ठी कर देते हैं समुद्र किनारे बीच पे जाके, तो गुरु ने मना किया था एक संगत को कि सीपियां जो है घर में नहीं होनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। पेंटिंग्स गुरु ने मना किया क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर इसमें पेंटर ने अच्छे भाव से नहीं बनाई है, उसकी भावना पेंटर की भावना जो पेंटिंग में आ जाती है, और अगर उसने अच्छे भाव से नहीं बनाई है तो वो नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करती है आपके घर। घर को सजाना है फूलों से सजा। आइडल्स को भी उन्होंने मूर्तियों को घर में मना किया है कि घर में मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, उनकी जगह जो मंदिर में होती है। उनके स्वरूप के सामने रोज जोत जलानी चाहिए, और अपना भोग जो है वो जरूर लगा लें, जब चाय पीते हैं तो भोग लगा के फिर हम चाय ग्रहण करनी चाहिए, 5-10 मिनट उनके स्वरूप के सामने रख दीजिए। अब उनका स्वरूप ही है, लोग आजकल उसको एडिट कर देते हैं, उसके ऊपर लिख देते हैं, जबकि गुरु जी ने कहा था कि अगर कोई दुखी है, कोई परेशानी है, तो मेरी फोटो नाल गल कर लो, मैं फोटो फोटो नहीं है उसमें, मैं सुनता हूं। और इसका मतलब कि उनकी जो स्वरूप है, फोटो उस समय कहा करते थे जब गुरु चोले में थे, तो इसका मतलब कि गुरु जी हर एक स्वरूप में है, वो स्वरूप जो है लाइव है, और उसमें गुरु जी स्वयं बैठे हुए हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये है कि एडिटेड स्वरूप जो है उनको फॉरवर्ड मत करिए, और ना ही किसी स्वरूप को एडिट करिए। कुछ स्वरूप जो है जब गुरु जी चोले में थे उन्होंने ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिख के दिए, ये अपना साइन करके दिया है, वो स्वरूप जो है वो तो अमूल्य निधि है। वहम का उन्होंने कहा था कि वहम में नहीं पढ़ना चाहिए, और ये बुरी प्रथाएं जो है बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, इसमें ब्लाइंडली प्रथाओं को फॉलो मत करो। वहम के बारे में जो है व्रत के बारे में भी गुरु ने कहा कि व्रत जो है फिजूल के व्रत नहीं रखने चाहिए। अब एक आंटी ने तो यहां तक मुझे बताया, हो सकता है लेडीज मेरे से नाराज हो जाए, पर मुझे जो पता लगा था जो उन आंटी ने बताया है कि हालांकि गुरुजी करवा चौथ पे सरगी वगैरह भी देते थे, पर उन्होंने कहा आंटी को करवा चौथ व्रत रखने की जरूरत क्या है, जब मैं तुम्हारे सब हस्बैंड्स का मैं देखभाल कर रहा हूं, उनको उनकी जीवन का मैं ध्यान रख रहा हूं, तो करवा चौथ का व्रत क्यों? लेडीज नाराज हो जाए मेरे, माफ कर दें, पर दिस इज व्हाट आई हर्ड, और मैंने पूछा कि आपको पता व्रत का, उन्होंने कहा कि सिर्फ हेल्थ रीजन की वजह से जो है अगर रख रहे हो तो ठीक है, नहीं तो वैसे फिजूल के हर फ्राइडे व्रत रखना, या बाकी दिन जो व्रत रखते हैं थर्सडे को व्रत रखते हैं, तो फायदा कुछ नहीं है अगर वो किसी काम भावना से, मतलब कोई इच्छा के, कोई विश्वास के भरोसे के उस पे कर रहे हैं। अब गुरुजी का जो कहा जाता है कि गुरुजी आराम से बोल देते थे, गुरुजी कहा जो है पत्थर की लकीर है,
और गुरु वचन हमेशा अपने लाभ के लिए होता है, उसमें कभी भी कोई मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि गुरु जी हमारे खिलाफ कुछ चाहें या समथिंग, वो तो हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं। अब बिल्ली रास्ता काट गई तो ये तो बहम है। उन्होंने कहा कि जय गुरु जी बोलो और आगे निकल जाओ। बिल्ली बड़ी कि गुरु बड़ा, बर्थ स्टोन्स और ये दूसरे स्टोन जो है वो अंगूठियां उतरवा दी उन्होंने बहुतों की। बर्थ स्टोन पे हो पुट्ठा असर कर रहे हो तो की मतलब तेनू की पता, तो बर्थ स्टोन के वो खिलाफ थे। पंडितों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो डेस्टिनी स्वयं ही बदल सकते हैं, गुरु जी स्वयं डेस्टिनी बदल देते हैं। अब जिनको भी लाइफ एक्सटेंशन दिया, जैसे हमारे एक्सीडेंट से हमारी जान बचाई, वो सब के सब जो हैं मतलब डेस्टिनी बदल दी है उन्होंने, ना केवल हमारी बहुतों की, उन्होंने संगत में डेस्टिनी बदल। अब एक चीज उन्होंने बहुत गहरी चीज है ये, उन्होंने कहा कि 4:15 4:45 9:15 4:15 मत बोलो, 3:45 बोलो। मतलब 4:15 बोलने से हम क्या कर रहे हैं, हम समय को पीछे ले जा रहे हैं, जबकि 3:45 या 3:45 अगर बोलेंगे तो समय जो है आगे रहता है। मतलब काल के तो वो स्वामी है, महाकाल है। महाकाल पे मुझे याद आया कि एक बार भोपाल में थे हम, तो उस दिन किसी काम से गया था मैं, उस दिन छुट्टी थी पब्लिक हॉलिडे, तो हमने कहा चलो महाकालेश्वर को आते हैं। तो मैं जिस होटल में ठहरा था वहां पे मेरे साथ एक और रूममेट थे, तो उन्होंने कहा मैं भी चलूंगा, तो हम दोनों निकल लिए सुबह सुबह। तो सुबह ऑटो मिलने में देर हो गई, और जब तक हम वहां पे पहुंचे स्टेशन पे तो गाड़ी का टाइम हो चुका था जाने का। तो भाग के मैं विंडो पे गया और मैंने कहा उज्जैन का टिकट, मैंने गाड़ी निकल गई। कह रहे नहीं नहीं गाड़ी नहीं निकली अभी, रोज टाइम से निकल जाती है पर आज पता नहीं क्यों रुकी हुई है, देर हो गई है उस गाड़ी को निकलने में। तो मैंने टिकट खरीदा और जैसे ही हम गाड़ी में जाके बैठे, गाड़ी ने सीटी मारी और वो चल पड़ी, जैसे मानो वो हमारे लिए रुकी हुई। उज्जैन पहुंचे, महाकालेश्वर पहुंचे, तो वहां पे एंट्री टिकट होता, मैं एंट्री टिकट के खड़े हुए थे हम, तो उसी समय एक पंडित जी आए। पंडों से तो मैं बहुत डरता हूँ, मैं उनसे दूर ही रहता हूँ कहीं भी जाने पर, क्योंकि जो उनका जिस जैसे उनकी वो कथाएं फेमस हैं तो उनसे दूर रहना ही बेहतर। और वो पंडित जी आए और उन्होंने कहा कि हम आपको दर्शन करा देंगे, अच्छी तरह दर्शन कराएंगे, कोई वैसी बात नहीं है। मैंने कहा तो समहाउ जो है मैं एक्सेप्ट कर गया उनकी बात। एक्सक्यूज मी, तो अंदर गए महाकालेश्वर में, और वहां पे जो है जहां पे वो शिवलिंग है वहां पे काफी भीड़ थी, और दो तीन पंडित अंदर थे जिसे वो बोलते हैं कि योनि में, और वहां पे जो है वो शिवलिंग को जो है दूसरों को अंदर आने से मना कर रहे थे, उनके हाथ से प्रसाद लेके उसे वहां पे लगा रहे थे। पर इन पंडित जी ने मुझे कहा कि आप अंदर जाओ, और मैं जो हिचकिचा रहा था पर उन्होंने कहा नहीं नहीं आप जाओ अंदर, आप जाओ। और दूसरे पंडित कुछ नहीं बोले, मैं अंदर शिवलिंग में गया, और फिर उन्होंने मेरे से वो जो पंच स्नान है दूध से घी से शहद से और जल से, वो पूरा स्नान उन्होंने कराया। उन्होंने कहा अच्छी तरह आप करिए, पूरे शिवलिंग पे मल के करिए, अपने पूरे शिवलिंग पे मलो, और पूरा उन्होंने कराया मेरे से। और वो जो दूसरे पंडित जी थे वो उनको जैसे पता ही नहीं कि वहां पे कुछ हो रहा है, ना कोई कुछ बोला ना कुछ, हालांकि मेरे मन में हिचकिचाहट थी।
फिर वो बाहर आए और बाहर बिठा के उन्होंने कुछ अपने साथ वो सेरेमनी वगैरह करी, और उसके बाद फिर हमें जाने की आज्ञा दी। अब महाशिव का ही कृपा है कि इतने अच्छे दर्शन हुए और शिवलिंग को मैं इतने अच्छे तरीके से जो है वो उनकी पूजा कर पाया। अब गुरु जी की मेहर है, हो सकता है वो स्वयं हो, मैं कह नहीं सकता। वेश बदल के तो वो आते ही हैं कई बार, कई कई को उन्हें दर्शन दिए हैं वेश बदल के। और गुरु जी का जैसे है कहना कि जे कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ा देता है तो मैं 100 कदम उसकी तरफ जाता हूं। अब गुरु जी के पास जब पहुंचते हैं तो वो स्वयं हमें अपने पास बुलाते हैं, वो हमें इस काबिल समझते हैं कि हम उनकी शरण में आ सके। हम वो हमें एक्सेप्ट करते हैं हमारी सब गलतियों के साथ, हमारी सब त्रुटियों के साथ, हमारा जैसा भी स्वभाव है, जैसा भी हम हमारे आचार विचार वगैरह जैसे भी हैं, उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया है और हमें उनका नतमस्तक होके हमेशा शुक्राना करना चाहिए कि गुरु ने आपने हमको अपनी शरण में लिया, हमें अपनी धूल चरणों की धूल सब के काबिल है, हमारा उससे बढ़कर और कुछ भी। उनका जो है घर से जब आप निकले तो गुरु जी के सामने जो है नमस्कार करके निकलें, उनको रिक्वेस्ट करके निकलें कि गुरु जी घर से बाहर जा रहे हैं, कार्य सफल हो, जिस काम के लिए हम जा रहे हैं आप हमारे साथ रहिए, और निश्चित रूप से वो आपके साथ रहेंगे। घर जब आप वापस पहुंचते हैं अगेन उनको नमस्कार करिए, उनका धन्यवाद करिए, उनको कार्य सफल करने के लिए, कार्य में जैसे भी जो भी हुआ है उसके लिए उनका धन्यवाद करिए। उनके कई बार गुरु जी के ड्रीम्स भी आते हैं और उनके ड्रीम्स जो है वास्तविक होते हैं, झूठ नहीं होते उनके ड्रीम्स, और उनकी वो प्रेजेंस, एक्चुअल प्रेजेंस होती है ड्रीम में, गुरु ने कहा था। और इसी तरह एक बार मुझे ड्रीम आया था कि गुरु जी संगत है और हम सब बैठे हुए उसमें, और गुरु जी जो है एक आध संगत के साथ जो है मूव कर रहे हैं, हर एक के पास जा रहे हैं, कुछ मतलब संगत में जैसे घूम रहे हैं, अचानक वो मेरे सामने आते हैं और बोलते हैं कि एनु दे दो ए करूंगा। मैं उनकी तरफ देख रहा हूं और हाथ जोड़ के बस ऐसे किया मैंने, और मुझे समझ नहीं आया कि गुरु ने क्या बोला है, क्या देना है मुझे और क्या करना है मुझे, कुछ समझ नहीं आया। मैं लॉस्ट बिल्कुल, उठा तो सोचता रहा काफी देर तक, बहुत देर तक विचार करते रहे, पर कुछ मतलब जैसे होता है गुरु जी के साथ कि कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वही अपनी माइंड जो है उसमें लगाओ मत, अप्लाई मत कर, वो अपने आप ही होगा जो भी है, जो गुरु जी के सामने उसका कोई काम। कुछ दिनों के बाद जो है, कुछ महीनों के बाद बल्कि बोलूंगा, कि मेरे से पूछा गया लाइट ऑफ डिविनिटी का ट्रांसिशन करोगे, कि बहुत लोग जो हैं डिमांड कर रहे हैं कि अंग्रेजी उनको समझ नहीं आती, लाइट ऑफ डिविनिटी अंग्रेजी में है और लोगों को समझ नहीं आती, और वो चाहते हैं कि ये जन साधारण की जो भाषा है हिंदी में पब्लिश हो। तो मैंने कहा हाँ कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। तो कहा अच्छा करो, तो मैंने करना शुरू किया, और हर बार जब मैं बैठता था तो मैं गुरु जी से निवेदन करता था कि गुरु जी आप मेरे साथ रहिए और जैसा आप चाहते हैं वैसे ही मेरे से ट्रांसिशन इसका कराते।
वही ट्रांसलेशन करते मुझे स्ट्राइक हुआ कि अरे बाबा, गुरु जी ने ये कहा था, ओ माय गॉड, ओ एम जी, गुरु ने ये कहा था कि एनु दे दो, ए करूंगा, मतलब लाइट ऑफ डिविनिटी का जो ट्रांसलेशन करना था, हिंदी में रूपांतरण जो करना था, वो उसके लिए कह रहे थे, और उसका ट्रांसलेशन पूरी तरह अच्छी तरह पूरा हुआ, गुरु जी ने खुद ही करा है, मैं तो उसमें सिर्फ मीडियम था, मुझे जैसे उन्होंने डायरेक्शन दिया है उसी के मुताबिक हुआ है, सिर्फ उसमें एक चीज का हमने ध्यान रखा जो मैंने डिस्कस करके बोली थी, मैंने भाषा जो है शुद्ध होनी चाहिए, उसमें किसी और भाषा के शब्द नहीं आने चाहिए। अब हिंदी अगर लिख रहे हैं तो हमें हिंदी ही लिखनी चाहिए, और उसमें जो उर्दू के शब्द आए तो गलत बात, भाषा की पवित्रता जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए, उसकी प्योरिटी मेंटेन रहनी चाहिए। आजकल लोग हिंदी को अंग्रेजी में रोमन स्क्रिप्ट में लिखने लगे हैं, गुरुमुखी को रोमन स्क्रिप्ट में लिखने लगे हैं, जो कि गलत चीज है। आने वाली जनरेशन, एक तो उसे पढ़ने में बहुत मुश्किल होता है कि क्या लिखा है, कम से कम मैं तो उसे डिलीट कर देता हूँ, मेरे से एक आध लाइन अगर नहीं पढ़ी जाए मैं डिलीट कर देता हूँ उसको, पढ़ने की जरूरत ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो एम्प्योर हो जाती है। तो इस तरह लाइट ऑफ डिविनिटी का जो ट्रांसलेशन हुआ, वो दिव्य आभा के रूप में जो है सबके सामने पहुंची, और अभी भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अभी 2018 में या 19 में उसका सेकंड प्रिंट हुआ है, और वो अवेलेबल है फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी पे मैं आता हूँ कि गुरुजी के जितने भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, चाहे उनका लॉकेट हो, चाहे उनका ब्रेसलेट हो, चाहे उनका स्वरूप हो, चाहे ये दिव्य आभा हो, लाइट ऑफ डिविनिटी हो, सब फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। और मुझे बहुत दुख होता है जब वो मैं देखता हूं कि लोग इस पे ये चीजें जो है बेचकर बिजनेस कर रहे हैं, कैलेंडर भी बेचकर बिजनेस कर रहे हैं, जबकि ये सब जो है बहुत ही, मतलब बिजनेस क्या, गुरुजी के नाम पर बिजनेस करो कि गुरुजी को माध्यम बना के बिजनेस करो, गलत बात है। थोड़ा सा ये बड़े मंदिर की बात हो जाए थोड़ी सी, क्योंकि बड़े मंदिर के बारे में गुरु ने कहा था कि ये तो मैं कि उन्हें मंदिर की कोई जरूरत नहीं है, और ये तो मैं संगत वास्ते बना, एक मिनट मैं पंजाबी में पढ़ के सुनाऊंगा तो वो बेटर है, और पंजाबी आपको पता है मेरी जो पंजाबी है मुझे याद नहीं रहता। मैनू मंदिर की कोई लोड़ नहीं है, असी तो चप्पल पाके तुर पाएंगे, ऐ मंदिर मेरी संगत वास्ते है, ऐ सच दी थां है, मैं इत्थे रोज ही नए नजारे दिखाने, एक दिन ऊपर दे शिवलिंग विच दूध अपी प्रकट होगा, गंगा इनू नहराएगी। तो गुरु जी मंदिर जो है हम लोगों के लिए बनाया है ये, और उन्होंने जैसा कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों की जो है शक्ति जो है उन्होंने खुद डाली है, और क्योंकि उन्होंने स्वयं बनाया है तो इसमें इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि उसे जो है कभी डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, इसके पास से भी गुजर जाए कोई तो ब्लेस होता है। दुनिया में ये एकमात्र शिवलिंग है जो कि ऊपर है, नहीं तो नॉर्मली हमेशा जो है शिवलिंग जो है जमीन पर ही होते, पर इसका शिवलिंग जो है वो एक दिन मंदिर जब वॉक कर रहे थे तो वहां पे जो शिवलिंग जो है आधा गीला था आधा सूखा था, तो सरप्राइज थे, और धूप चमक रही है जोर से, तो सब देख रहे थे और उसे कि क्या हो रहा है ये, तो अचानक गुरु जी बोले कि अमृत पै रहा है, तो
मतलब आधा सूखा हुआ आधा गीला, तो गुरु ने यही कहा कि अमृत बह रहा है, तो उस पर अमृत वर्षा हो रही थी उस समय। और मंदिर में सोना नहीं है, मंदिर में सोने से कल्याण अधूरा रह जाता है। और यही बात सत्संग के लिए भी ट्रू है, सत्संग में अगर आप सोएंगे तो कल्याण अधूरा रह जाएगा। गुरु जी के ब्लेसिंग्स के बहुत तरीके होते थे। शब्द था शब्द सुनो, शब्द बेशक समझ नहीं आता पर उसकी ध्वनि जो है कानों में पड़ती रहे तो ब्लेसिंग मिलती रही। सत्संग कराते थे गुरु जी, कई बार जो है सत्संग रेपिटेटिव होते थे, रोज जो है उसी व्यक्ति को खड़ा होकर सत्संग करा दिया। तो बिकॉज वो भी सुनने वाले का भी कल्याण और सुनाने वाले का भी कल्याण, और उसमें कोई ना कोई मैसेज होता था। और वो चाहते थे कि वो दवाई का कॉन्सेंट्रेटेड डोज जो है जो संगत उपस्थित है उसको मिले, इसलिए बार बार खड़ा होके वो सत्संग करा देते थे। अब मंदिर की जो स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं, कई बार जो है लोग जो है चढ़ते हुए जो है हर एक मंदिर की स्टेप को इस तरह जो है हाथ लगाते हुए चढ़ेंगे ऊपर, जबकि गुरु जी ने कहा था कि ये 5 स्टेप जो हैं आपका काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उनको उनका प्रतीक है, और उनको हम जय करके ऊपर नहीं चढ़ेंगे, उन पर विजय प्राप्त करके ऊपर चढ़ेंगे, उनकी जो है मतलब नमन नहीं करना है उनको। उन ये 5ों शत्रु हैं अपने प्रोग्रेस में, और इन पे विजय प्राप्त करके ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर जो फ्लैट जगह है वहां पे पहुंचते हैं। तो छाती ऊपर करके, माथा ऊपर करके, सिर ऊपर करके चढ़िए उस पे, और प्रसन्न होइए जो ऊपर पहुंच के कि आपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को पीछे छोड़ दिया है और वो कभी आपके पास ना आए। मंदिर के स्टेप्स पे आप चढ़ेंगे, बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो रही हो, पर मंदिर के ऊपर जो फ्लैट ग्राउंड पहुंचते हैं वो हमेशा ठंडा मिलेगा आपको। प्रकृति पे गुरु जी का जोर था, वो भी उनके कंट्रोल में थी। मंदिर में जितने भी आयोजन होते हैं, जब आयोजन होते हैं उस समय वर्षा रुक जाती है, उस समय कोई वर्षा नहीं होती। कम से कम मैंने देखा है, अगर किसी और ने दूसरा देखा हो सकता है वो मैंने आयोजन देखा ना हो, पर जहां पे मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब मंदिरों का टाइम, मंदिर बड़े मंदिर का टाइम होता है तो उस समय वहां पे वर्षा नहीं होगी, चारों तरफ वर्षा होती रहेगी, पर वहां पे कभी वर्षा नहीं। प्रसाद जो वहां पे मिलता है उसके बारे में गुरु जी ने कहा कि इस प्रसाद विच ब्लेसिंग है, ऐसे खाओगे तो दवाई, बाहर खाओगे तो मिठाई। और ये भी उन्होंने कहा कि इस प्रसाद विच मैंने 25 साल तक की ब्लेसिंग डाल सकता हूं, और डालते भी हैं वो लंबी ब्लेसिंग डाल। अब प्रसाद पे मुझे एक दिन याद आया, मेरा बर्थडे था, उस दिन मैं वहां पे पहुंचा तो लड्डू बट रहा था, तो जैसे ही मैं पहुंचा तो वहां पे जो बांट रहे थे उन्हें डबल प्रसाद जो है मुझे दे दिया। मैंने आपने 2 डाल दिए, कहते आपके लिए है। तो अब मेरे बर्थडे पे जो है डबल प्रसाद मिल गया था मुझे। इसी तरह एक दिन और हुआ, वहां पे मंदिर गए थे तो वहां पे जो है जब लंगर किया तो उस दिन वापस आके मैं घर पे अगले दिन लेटा हूं तो मैंने कहा यार सरप्राइजिंग जी कल शाम को लंगर में मीठा नहीं था। तो मैंने कहा कैसे हो सकता है यार मीठा ना हो लंगर में, पर उस दिन बटा नहीं था। तो अचानक आंटी का फोन आया कि मैं लेट हो जाऊंगी और स्कूल में, और अभी अभी नहीं आ सकूंगी। और तो मैंने कहा चलो हम मंदिर चलते हैं यार, ऐसे ही घूम आते हैं मंदिर में, और कुछ नहीं। तो मैं मंदिर गया तो वहां पे एक अंकल जो है कड़ा प्रसाद बांट रहे थे,
एंड आई एंजॉयड इट। अब गुरुजी ने बुला लिया, जैसे ही मेरे मन में ये विचार आया तो गुरुजी ने बुला लिया और अपना प्रसाद भी दिया। अब मंदिर भी मैं पहुंच जाता था वहां पे, और जब गुरुजी चोले में थे तो मैं मंदिर पहुंच जाता था, वहां पे माली भैया होते थे कई बार, और वो जो खोल देते थे दरवाजा, मैं पूरा मंदिर में अकेला घूमता रहता था। और वहां पे जैसे गुफा में जाके बैठ गया, या झूले के पीछे वाला जो कमरा है उसमें जाके बैठ गया और समय बिताता था मैं वहां पे, मतलब कुछ देर बैठा रहता और बहुत ही अच्छा लगता था। और कई बार जो गुरु जी की फ्रेग्रेंस आती थी उसमें, और हॉल में बैठ के जो मैं एक माला कर देता था, हालांकि गुरु जी ने मना किया था कि माला नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माला जो है बाद में पता लगा था मुझे कि माला से जो है ईगो आती है माला से, पर मैं जो एक माला करके उठ जाता था और उस समय मेरे मन में कोई और विचार नहीं होता। ओम नमः शिवाय का एक माला करी, कमल गट्टे की माला होती थी वो करी, और उसके बाद उठ के जो है मंदिर में घूम घाम के आराम से, जहां बैठो जहां घूमो कोई रोक टोक नहीं थी। और मंडे को जो है उस समय समाधि थी नहीं, तो वहां पे लॉन था और शिवलिंग जो है वो जमीन पे रखा हुआ था गणेश जी की मूर्ति के साइड पे, तो उस पे मैं दूध चढ़ा दिया करता था। और कई और बहुत दिनों तक, बहुत हफ्तों तक मैं हर मंडे को जो है ये काम कर दिया करता था। तो बाद में फिर गुरु जी का चोला छोड़ने के बाद अनाउंसमेंट हुआ कि वहां पे कोई दूध नहीं चढ़ाएगा, तो फिर बंद कर दिया था मैंने, फिर उसके बाद कभी नहीं करा। पर उस समय जो अद्भुत मतलब फीलिंग होती थी डिस्क्राइब नहीं कर सकता मैं कि गुफा में बैठ के क्या फीलिंग हुई, या उनके गुरुजी के कमरे में बैठ के कितनी सुंदर फीलिंग, मतलब वर्णन अवर्णनीय है जो फीलिंग है। और गुरुजी ने भी कहा कि जिन्नी वारे थे आओगे उन्नी वार तुम्हारे पुट्ठे लेख जो है सीधे होंगे। मतलब अब सत्संग में भी अगर हम बैठे तो जितने भी बार सत्संग में बैठे तो वहां पे भी हमारे पुट्ठे लेख सीधे होते हैं, बड़े मंदिर में तो होते ही हैं, वहां पे तो जो भी इच्छा मांगेंगे सबकी इच्छा पूरी होती है, सबकी कामना पूरी होती है, प्रोवाइडेड वो कामना जो है आपके हित के हो, किसी का अहित ना हो और रब आपका दोस्त है, कभी उससे डरना नहीं। रब का हमें दास भी रहना है और रब का हमें जो है सखा भी रहना है, और जो भी आपके दुविधा है वो उनके सामने आप बोल सकते हो। और निर्णय जो है जब भी आप कुछ मांगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं और इसलिए मांगने को कई बार अनजाने में भी निकल जाता है, पर अंतिम निर्णय जो है गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है वो हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है, और वो ही डिसाइड करेंगे। डिसाइडिंग डिसीजन उन्हीं को लेने दीजिए डिसीजन, और अगर वो अच्छा होगा तो वो जरूर पूरा करेंगे, समय उनको डिसाइड करने दीजिए, काल उनको डिसाइड करने दीजिए, कोई उसके लिए उत्सुकता मत करे। और जब भी आप प्रार्थना करें तो उठने से पहले धरती को जरूर धन्यवाद कर दीजिए। गुरु ने कहा था कि धरती इतना कुछ सहती है और फिर भी आपके जीवन के लिए आपको सब कुछ प्रदान करती है। आप सोचिए कि एक तो आपका बोझ ढो रही है, आपके लिए सब खाने की सब वस्तुएं जो हैं, जीवन चलाने के जो सब वस्तुएं हैं वो धरती प्रदान कर रही है। धरती को आपकी जरूरत नहीं है पर आपको धरती की जरूरत है। जैसे कहते हैं आजकल कह रहे हैं कि नेचर डजंट नीड यू, यू नीड द नेचर, और उसको जो है हमें धन्यवाद करना चाहिए, गुरु जी का धन्यवाद करना चाहिए, नतमस्तक हमेशा रहना चाहिए, उनके
ऊपर विश्वास बना के रखें, आस्था बना के रखें। गुरु जी को सिर्फ एक चीज चाहिए, वो आपका प्रेम। उसके अलावा उनको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। और समर्पण उनसे रिक्वेस्ट करिए कि हमें इस काबिल बना दीजिए जैसा आप हमें चाहते हैं, और हम आपके प्रति समर्पण कर सकें, पूर्ण समर्पण कर सकें। आज अगर उनको हमारी जान की भी जरूरत है तो वो भी उनके लिए हासिल। तो समस्त गुरु जी का मैं शुक्रगुजार हूं। कोई भी गलती हो गई मुझे क्षमा करें, और सत्संग का भी, संगत का भी मैं शुक्रगुजार हूं। उन्होंने इतने धैर्य पूर्वक मुझको सुना है, हालांकि मैं ओवरशूट कर गया हूं टाइम को, पर फिर भी मैं संगत का धन्यवाद करता हूं और गुरु जी से प्रार्थना करता हूं कि इस जमाने, इस वातावरण में जो आजकल पूरी हर तरफ फैला हुआ है, उससे हमें जल्दी उभारें और सबको बचा के रखें और अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।